بسم الله الرحمن الرحيم. वालेकुम अस्सलाम। हमारे आकिब हनफी सल्लमहू पूछते हैं कि कुछ इत्र बेचने वाले कहते हैं कि इसमें केमिकल नहीं है, लेकिन हाथ पर ब्लू पेन से लिखने के बाद उसे इत्र से मिटाए तो मिट जाता है, इसका मतलब उसमें केमिकल है, बेचने वाले पर क्या हुक्म है? देखिए, केमिकल हो तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, अल्कोहल नहीं होना चाहिए। और रही अल्कोहल की बात, तो पाकिस्तान के बाद उलमा ने तो इजाज़त दी है कि अल्कोहल वाले परफ्यूम और इत्र वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। अगर कोई दूसरा केमिकल है तब तो कोई मुजायका नहीं है, ऐसा इत्र बेचने वाले का कारोबार भी जायज़ है, ऐसा इत्र भी ख़रीद सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें अल्कोहल है, शराब है, तो वो नाजायज़ व हराम है, उसका बिज़नेस करना भी दुरुस्त नहीं है, उसका ख़रीदना भी जायज़ नहीं है, और उसे लगा कर कपड़ों पर नमाज़ पढ़ना भी दुरुस्त नहीं है, नमाज़ को दोहराना पड़ेगा।